हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे आगरे के किले के बारे में। आगरे का किला बादशाह अकबर का बनवाया हुआ था। इस लाल पत्थर की बाहरी दीवारें 70 फुट ऊंची और 1.5 मील लंबी है, जिन पर बीच बीच में बुर्जियां बनी हुई हैं। किले के चारों ओर गहरी खाई है। किले में सबसे खूबसूरत इमारत मोती मस्जिद है, जो शाहजहां की बनवाई हुई। 7 मेहरबों पर 3 गुंबज ऐसे लगते हैं जैसे 3 कलियां बस फूटने ही वाली हैं। दाई ओर दीवाने आम है, इसके पीछे खंभों की 3 कतार चली गई है। यह इमारत लाल पत्थर की है। यहाँ पीछे हटकर बादशाह का तख्त है, जहां दरबार के वक्त बादशाह बैठा करते थे। तख्त के सामने 3 फुट ऊंची संगमरमर की पट्टियां हैं, इस पर खड़े होकर वजीर बादशाह का फरमान लिया करते थे। दाईं ओर गलियारे के पीछे बेगमें दरबार देखने के लिए बैठती थी। दीवाने आम के सामने जहांगीर का बनवाया हुआ हौज है। यह 5 फुट गहरा है और एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। दीवाने आम के पीछे मच्छी भवन है। इसमें कभी संगमरमर की फूलों की क्यारियां, नहरें, फव्वारे और मछलियां से भरे हौज थे। दीवाने आम के सामने ही दीवाने खास है। कटाव जड़ाव का काम यहाँ गजब की खूबी से हुआ है। दीवाने खास के ठीक सामने जहांगीर के नहाने का हमाम है। इनमें पानी बाहरी दीवारों के बाहर से 70 फुट नीचे से आता था। ये यही जूही महल है, जिसमें पहले नूरजहां और फिर मुमताज महल रहती थी। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में यही बैठा ताजमहल को निहारा करता था। इसके पास ही बेगमों का खास महल है। शाम की डूबती लाली में यह इतना सुंदर लगता है कि देखते ही बनता है। खास महल के सामने अंगूरी बाग है। इसमें ज्यामिति के आकार की फूलों की क्यारियां थीं और अंगूर की बेलें चढ़ी हुई थीं। अंगूरी बाग के उत्तर शीश महल और दूसरी ओर प्रसिद्ध जहांगीरी महल। जहांगीरी महल वस्तुतः अकबर का बनवाया हुआ है। इसकी कला फतेहपुर सिकरी की कला के समान है। इस महल में जमुना की ओर की दीवारों पर बड़े खूबसूरत चित्र बने हुए थे, जो अब धुंधले पड़ गए हैं। महल का भीतरी आंगन मुगल कला का सुंदर नमूना है। इसके खंभों, मेहराबों और अनगिनत टोंडों से अंधेरे उजाले की आंख मिचौनी होती रहती है। उत्तर की ओर जोधाबाई का महल है, जो हिंदू शैली में बना है। उसी से लगा पश्चिम ओर का कमरा उसका मंदिर था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां अधिकतर इसी किले में रहते थे। तो ये थी बच्चों आज की ज्ञानशाला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।